हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप पहले की तरह ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ नींबू और रूपसा की एक शिकंजी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है रूपसा, लिया है नमक टेस्ट के अनुसार, और जो हमारा चीनी ली है वो भी मैंने जितनी क्वांटिटी पानी की होगी उसी अकॉर्डिंग ली है, और 4 नींबू लिए हैं। तो इसके लिए हमने एक ख़ास मसाला भी तैयार किया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, उस मसाले की रेसिपी। तो अब देखिए, मैं इन नींबू को काट रही हूँ। इन नींबू को काट लेंगे। मैंने 4 नींबू लिए हैं, जिनमें से मैं 3 को काट लूँगी और जो एक नींबू है वो हम डेकोरेशन के लिए रखेंगे। तो देखिए, इस नींबू को मैंने रख लिया है और ये 3 नींबू मैंने काट लिए हैं, इसके 2-2 पीसेस कर लिए हैं। अब देखिए, मैंने एक बाउल लिया है बड़ा। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी हमने शिकंजी बनानी है, जितने ग्लास, उतनी क्वांटिटी में हम पानी ले लेंगे। तो मैं यहाँ 2 ग्लास शिकंजी बना रही हूँ, तो यहाँ 2 गिलास मैंने उसी मात्रा में मैंने पानी ले लिया है मेज़रमेंट करके। तो अब देखिए, अब 2 गिलास मैं बना रही हूँ शिकंजी, तो इसके लिए 3 नींबू सफिशेंट है। आप चाहें, अगर आप ज़्यादा नींबू टेस्ट अच्छा लगता है आपको, तो आप ज़्यादा नींबू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 नींबू का यूज़ किया है। देखिए, इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए। इसमें मैंने अच्छे से इन सभी को, नींबू को बारी बारी से निचोड़ लिया है, और ये शिकंजी बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप मार्केट में भी देखते होंगे, शिकंजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये इस रेसिपी से आप अच्छी शिकंजी बना सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब मैंने डाला है नमक। नमक हम थोड़ा कम मात्रा में रखेंगे, और चीनी है। चीनी मैंने 2 गिलास पानी लिया था, तो मैंने 4 चम्मच चीनी के मेज़रमेंट करके ले लिए थे। आप इसमें पीसी चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने लिए हैं रूपसा। रूपसा मैंने यहाँ 3 चम्मच डाले हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 चम्मच रूपसा का यूज़ किया है। अब देखिए, इन सभी को मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ख़ास मसाला रेडी किया था शिकंजी के लिए, इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए, थोड़ा सा मसाला डाल लेंगे। 2 गिलास शिकंजी के लिए इतना मसाला काफ़ी है। तो देखिए, बस अब इसको अच्छे से चलाते रहिए, ताकि इसमें जो हमने चीनी डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए, जो मसाला डाला था वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसको अच्छे से चलाते रहिए, इसमें सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एकदम मार्केट जैसी शिकंजी ही बनकर हमारी रेडी होने वाली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। बस ये शिकंजी हमारी अब रेडी है, बस इसको अब हम सर्व करेंगे। अब इसमें जो बीज है, हमने एक छन्नी ली है, जिससे हम क्या करेंगे, जो हमारे नींबू हमने निचोड़ा, उसमें जो छिलके रह जाते हैं हल्के हल्के छिद्र से, वो इससे अलग हो जाएंगे। अब देखिए, जिससे क्या है, पीते वक्त हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बीज वगैरह अलग हो गए हैं सब, और एकदम ठंडी 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 शिकंजी बनकर रेडी हो गई है। तो बस देखिए, अब इसको मैंने सर्व करने के लिए इन गिलास में डाल लिया है। मैंने 2 गिलास ही शिकंजी बनाई थी, तो देखिए 2 गिलास बनकर ही रेडी हुई है। अब देखिए, अच्छे से मैंने इसको डाल लिया है इन गिलासेस में। अब देखिए, सारे बीज इसमें ऊपर आ गए हैं, एक भी बीज गिलास में नहीं की गया है। अब देखिए, अब सर्व के लिए जो मैंने नींबू बचा कर रखा था वो इसमें डालेंगे। और अब देखिए, मैंने इसमें जो स्लाइसेस हैं बर्फ़ के वो डाल दिए हैं, जिससे एकदम ठंडी ठंडी हमारी शिकंजी बनकर रेडी हो चुकी है, एकदम मार्केट जैसी। तो जितना हो सके आप इन चीज़ों को घर में ही बनाएं, मार्केट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। घर में एकदम शुद्ध चीज़ें ही बनी जाती हैं। और देखिए, नींबू को काट कर हमने साइड में डाल दिया है। तो देखिए, एकदम रेडी हो चुकी है ये शिकंजी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।